बिहार चुनाव जो है विधानसभा, शिवसेना वहाँ चुनाव लड़ेगी। एक दो दिन में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने रहेंगे, कहाँ लड़ेगी, उसका भी निर्णय होगा। आप जो बात कर रहे हो कि स्टार कैंपेनर, उद्धव जी का नाम तो होना ही चाहिए, आदित्य जी का नाम होना चाहिए उसमें जरूर। दोनों प्रमुख नेता जो है ये यहाँ से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और सभी लोग, मोदी जी भी यही करने वाले, अमित शाह जी भी यही करने वाले, नीतीश कुमार जी भी सरकार से बता रहे हैं। लेकिन हम कुछ लोग आने वाले दिनों में जरूर पटना में जाएंगे, पटना में बैठकर पार्टी का काम करेंगे और प्रचार का जो तंत्र है वो भी आगे लेकर जाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, त्यांच्या येण्यामुळे या निवडणुकीमधलं समीकरण राजकीय बदलेल का? मला मी कुठली माहिती देतो, त्यांना एका प्रकरणात जामीन मिळाला आहे, दुसऱ्या प्रकरणामध्ये ते अजून काही काही तुरुंगात राहणार। चारा घोटाळ्याच्या दोन प्रमुख केसेस आहेत, त्यात एका प्रकरणात त्यांना आज जामीन झाला असला तरी दुसऱ्या एका प्रकरणात ते काही काही तुरुंगात राहणार।